दोस्तों आपके भी फेसबुक रील पर व्यूज नहीं आ रहे और दोस्तों आप भी रील्स अपलोड कर करके थक गए हो फिर भी आपके व्यूज और फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके फेसबुक पर व्यूज कैसे आएंगे, बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है जिससे कि आपका वीडियो है वो अच्छी तरीके से वायरल हो पाएगा। और दोस्तों आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए आपको क्या करना है इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जो मेन चीज होती है वो आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो की जो क्वालिटी है वो आपको इंक्रीज करनी है। आपको क्वालिटी बहुत आपसे हो सके उतनी आप अच्छी रखिएगा। दूसरी बात करते हैं तो दूसरी बात मेन है ये कि उसकी आपके अंदर वीडियो की वॉइस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वॉइस अच्छी होगी, क्लियर होगी, तो दोस्तों जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और दोस्तों तीसरी चीज होती है वो होती है टाइटल। तो दोस्तों टाइटल का भी एक बहुत ही बड़ा महत्व है। तो दोस्तों किसी भी वीडियो के अंदर टाइटल लगना बहुत जरूरी होता है, तो दोस्तों वीडियो को अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस मिल पाते हैं और वीडियो अच्छी तरीके से रैंक हो पाता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको वीडियो कैसे अपलोड करना है। उससे पहले हम आ जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमको फेसबुक ओपन कर देना है। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे रील्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और ऐसे आपका जो भी वीडियो हो वो आप आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं ये वाला वीडियो सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो ऐसे सिलेक्ट कर दिया है जो कि रील है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है। उस वीडियो का आपको टाइटल लिखना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों आपका जो भी ये वीडियो है किसके रिलेटिव है और इस पर आपको क्या टाइटल अच्छा लगता है, जो कि आपको उसको, अगर आप कोई भी गाना वगैरह आप लगा रहे हो, रील्स अपलोड कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ भी गाने की जो बोल है, जो मेन जो शब्द होते हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो हमें लिख लिया है, जो इसके गाने के बोल है हुसन तेरा तौबा तौबा, ये मैं लिख लिया है। अभी आपको क्या करना है, इस पर हैशटैग यूज करना है। हैशटैग यूज कैसे करना है, आपको ऐसे मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद आपको गूगल ओपन कर देना है। ठीक है, गूगल पे आपको सर्च करना है ट्रेंडिंग हैशटैग। ठीक है, ट्रेंडिंग हैशटैग लिखने के बाद आपके सामने एक पहली वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो यहाँ पे आपको पहला ही दिख रहा है, जो आपको पहला ही जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो आपको कॉपी कर देना है। ओके कर देंगे ऐसे, और आपको फेसबुक का जो अपने पेज खोल रखा था उसको आप फिर से खोल देंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको अभी पेस्ट कर देना है। इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक हैशटैग लगा के आपको लास्ट में जो रील लिखना है, रील। ठीक है ना, करना है। अभी आपको नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं बना रखी है तो आप यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर दीजिए और ऐसे प्लेलिस्ट बना दीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने बना रखी है तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये जो वीडियो है मेरी इस प्लेलिस्ट में ऐड हो गया है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से काम करना है और आपको यहाँ पे वीडियो को शेयर नाउ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका ये वीडियो इस तरीके से पब्लिक हो जाएगा। दोस्तों आपको एक छोटी सी जानकारी कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और आपको ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।